का है ना मैडम कि हम ना एक करवट सोते सोते ना थक जाते हैं, हमारा मनवा उबिया जाता है, बॉडी में दर्द होने लगता है, तो हम क्या करते हैं, हम पलट जाते हैं, यानी कि दूसरा करवट ले लेते हैं, बड़ी आराम मिलता है मैडम। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बायोस्कोप में, मैं हूँ आसिया। बिहार में जातिगत जनगणना के मुद्दे पर राजनीतिक हलचल तेज हो रही है। राजद ने इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना रुख साफ कर दिया है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि नीतीश कुमार को बीजेपी के उन मंत्रियों को हटा देना चाहिए जो इस मुद्दे पर उनकी बात नहीं मान रहे। जगदानंद सिंह ने कहा कि अगर इससे उनकी सरकार के सामने संकट आता है तो सब कुछ भूल कर आरजेडी साथ देने को तैयार है। आज इन्हीं सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वो जो बूझे या ना बूझे बोलते रहते हैं टरटर। नाम पूछिए तो बताते हैं लाल बुछक्कर। हाजी लाल बुछक्कर जी, जातिगत जनगणना के मुद्दे पर राजद के रुख को आप कैसे देखते हैं? मैडम, इस मुद्दे को हम क्या देखेंगे, देख तो सुशासन बाबू और फूल वाला पार्टी का लोग सब रहा है, वो भी तनी बेसी गौर से। हम तो बस इतना कहेंगे, इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो। राज को राज रहने दो, मैं समझ गई। आपका समझी मैडम? यही कि आप कुछ नहीं समझ पाए हैं, क्योंकि समझते तो कुछ बताते जरूर। आप तो खुला चैलेंज मार दी मैडम, अब तो हमको बताना पड़ेगा। तो बताइए, पर ये मत कहिएगा राज को राज रहने दो। कैसे नहीं कहेंगे मैडम, बात तो राजे का है, मने राज करेगा के करेगा, यानी कि कौन करेगा, ये सवाल तो हाई करके पूछे लायक है। बस हम आपको इतना बता दे कि समय बदल गया है मैडम। आप भी ना सिर्फ बकवास करते रहते हैं, क्या समय बदला है? बदला नहीं है मैडम, हमको तो लगता है कि बदल गया है। देखिए, पहले दादी सब जो कहानी सुनाती थी उसमें जो राजा होता था ना, वो लोग सब के सेवा के लिए राजपाट छोड़ देता था। अब न्यूज एंकर सब के सामने हर दल का लोग बैठ के बताता है कि लोग सब के सेवा के लिए राज जरूरी है, तो समय पलटा ना मैडम। और आज के समय में जो पलट जाए, समझ लीजिए वह फायदा में रहता है। क्या बुझी? सच कहूं तो मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आया। आप पब्लिक है ना मैडम, तनी देर से समझिएगा। क्या देर से समझूंगी, सीधा तो है, जातिगत जनगणना पर जेडीयू और राजद एक जैसे विचार रखते हैं। वो तो है मैडम, जातिगत जनगणना होना भी चाहिए, 2011 के आसपास हुआ भी था, पर अब तक कुछ बाहर नहीं आया है, बस डाटा बन के फाइल में है। मैडम, हमको डर तो ये बात का है ना कि कहीं फिर से जनगणना हो जाए और फिर ये केवल डाटा भर बन के नहीं रह जाए। आपको इतनी भी समझ नहीं कि डेटा आ जाएगा तो सरकारों को नीतियां बनाने में सुविधा होगी? पता नहीं मैडम, कुछ दिन पहले पूरा देश के हर राज्य से एगो डाटा सामने आया था कि कहीं भी, यानी कि कोनो प्रदेश में कोरोना काल में ऑक्सीजन के कमी से एक को आदमी का मृत्यु नहीं हुआ था। अब बताइए, इस डाटा पर नीति बन जाता तो? अरे भाई, सरकारों ने फैक्ट्स ही तो दिए होंगे। हाँ, ये तो आप ठीक है बोली, बचपन में हम ही पढ़े थे हवा में नाइट्रोजन के बाद ना सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, फिर ऑक्सीजन कहाँ से घटेगा, ठीक है बोली होंगे सब। ओफो, आप बिना सुधरने वाले नहीं है। एगो हम ही वैसे थोड़े ना है मैडम, बहुत लोग हैं, सबका नजर अपना फायदे पर रहता है। अरे लाल बुछक्कर जी, मैं पूछ रही हूँ कि जातिगत जनगणना के मुद्दे पर राजद ने जेडीयू को जो सपोर्ट दिया है उस पर आपकी राय क्या है? देखिए, एक वो दल का जो लोग है ना, उसका लोग सब बोल रहा है बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें फंसना मत, कहे कि तुम उस जाल में फंसे तो हम फंस जाएंगे और फिर हमरे बगिया के फूल सब मुरझा जाएंगे, तुम ही बताओ फिर हम किधर जाएंगे। आए, ये किसके लिए कहा आपने? समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है मैडम। तो मैं अनाड़ी हूँ? आप पब्लिक है ना मैडम, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं आप। ये बताइए, राजद क्यों सपोर्ट देने को तैयार है? सामने तो वो कारण वो लोग हम लोग को बताइए दिया है, पर बैकग्राउंड में हमको एक गनवा दिखाई दे रहा है मैडम। गाना दिखाई नहीं देता लाल बुछक्कर जी, बताइए कौन सा गाना।
अखवा बंद करके हम देख रहे हैं कुछ लोग ललटेन बार के यानी कि ललटेन जला के एको कुर्सी को देख के गा रहे हैं, जिसके सपने हमें रोज आने लगे, दिल लुभाने लगे, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं? पता नहीं आप भी क्या देखते सुनते रहते हैं। वो सब छोड़िए, ये बताइए कि राजद नीतीश कुमार को इस मुद्दे पर समर्थन की बात क्यों कर रहा है? वो तो हम नहीं जानते हैं मैडम, पर एको गनवा फिर सुनाई दिया हमको। अब कौन सा गाना आपको सुनाई दे दिया? कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। इसका क्या मतलब है? मुझे तो लगता है तिल का ताड़ बनाया जा रहा है। सबको पता है नीतीश कुमार पहले भाजपा के साथ थे, फिर राजद के साथ, और अब फिर भाजपा के साथ। मुझे नहीं लगता कि अब वो वापस राजद के पास जाएंगे। वो कहीं थोड़े ना जाते हैं मैडम, देख के तो लगता है कि लोग सब उनके पास आते हैं। और एको बात और है मैडम। क्या बात है? उनकर बात नहीं है, ये बात हमारा अपना है। वो का है ना मैडम कि हम ना एक के करवट सोते सोते ना थक जाते हैं, हमारा मनवा उबिया जाता है, बॉडी में दर्द होने लगता है, तो हम क्या करते हैं, हम पलट जाते हैं यानी कि दूसरा करवट ले लेते हैं। बड़ी आराम मिलता है मैडम। तो इस दुनिया में ना हमारे टाइप के बहुत सारे लोग हैं जो इस कला का भरपूर फायदा उठाते हैं। क्या समझी आपकी बातें? आप ही समझो लालबू चक्कर जी। फिलहाल तो जातिगत जनगणना पर बिहार में हो रही हलचलों पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल हमें दे इजाजत, नमस्कार।